हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन अ लाइट अज आई इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर द मिरर मिरर इज इज रोटेटेड रोटेटेड इन द फिगर बाय एन एरो एट अ एरोन वाई पाई रिवॉल्यूशन पर सेकंड द लाइट रे लाइट रिफ्लेक्टेड बाई अ मिररर इज रिसीव्ड ऑन द वॉल एट अ डिस्टेंस टेन मीटर फ्रॉम द एक्सोपोटेशन वेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम थर्टी डिग्री द स्पीड ऑफ द स्पॉट अ पॉइंट ऑन अ वॉल इज इतने मीटर पर सेकेंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वी ठीक है जब समझे यहां पर से ये लाइट इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हुई तो जब इंसिडेंट एंगल 37 है तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल भी 37 होगा अभी मिरर को रोटेट नहीं किया तो ये स्पॉट होगा बेटा हमारा ऐसे पी मान लेते हैं तो यहां पर इसकी स्पीड स्पॉट की इधर की तरफ दे रखी है हमें ये v इंटू टेन की पावर टू मीटर पर सेकेंड ये और हमें इसमें से v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर हम मिरर को घुमाएंगे तो कितनी स्पीड से चलेगा स्पॉट ठीक है तो जरा सुनते हैं इसको देखो अगर हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं कितनी फ्रिक्वेंसी से तो फ्रिक्वेंसी दे रखी है हमें कितनी बेटा आपको नाइन वाई पाई रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दे रखी है तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकाल लो ओमेगा तो मेगर होता है टू पाई एफ तो टू पाई एफ की वैल्यू है नाइन बाई पाई इसे कैंसिल हो गया अट्ठारह रेडियन पर सेकंड आ जाएगा ठीक है एटीन रेडियन पर सेकंड आ गया तो मिरर इतने ये मिरर की एंगुलर स्पीड हो गई है ना अब एक बात समझो मिरर को अगर हम घुमाएंगे तो मिरर इतनी स्पीड से घूम रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो डबल स्पीड से घूमती है क्यों जरा समझते हैं अगर हम मिरर को ठीटा एंगल से घुमाते हैं ये मिरर है तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा एंगल से घूमती है बेटा। को 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 रखें, तो अगर अगर मैंने को रखा और ये है घूमने से से पहले आर वन। अगर आप घुमाओगे इस वाले सेंटर वाले पॉइंट से और ऐसे घुमाया से घुमाया तो मान लो कि यह एंग ओमेगा से घुमाया तो टी सेकंड में ये कितना घुमा ये मिरर की बात हो गई तो रिफ्लेक्टेड रे आपको पता होना चाहिए कि अगर मिरर को थीटा एंगल से घुमाते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ये टू थीटा एंगल से घूमती है सेम टाइम में सेम टाइम में टू थीटा एंगल से घूम जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलरिटी देखें तो सेम टाइम में टू थीटा से घूम रही है वो ये हमें प्रॉपर्टी याद होना चाहिए इंसिल को फिक्स रखें अगर मिरर को थीटा एंगल से घुमाते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ये टू ठीटा एंगल से घूमती है सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में सेंस ऑफ पटेशन भी सेम होता है जिधर मिरर घुमाओगे तो मिरर को आपने ऐसे घुमाया है तो ये भी ऐसे घूमेगा बेटा तो इसीलिए ये नई एंगुलर फ्रिक्वेंसी लिखेंगे इसकी मिरर की मिरर की लिखे सॉरी रिफ्लेक्टेड रे की लिखेंगे तो ये होगी टू ओमेगा तो अगर इसे मैंने ओमेगा से घुमाया है मिरर को तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये टू ओमेगा से घूमेगी सबसे पहली बात चलिए अब जरा समझिए इसे क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूं दो मेथड से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूं पहला मैं मेथड बता रहा हूं आपको ध्यान से समझाए मान लो कि ये पॉइंट है इसको सेंटर मान के और इसको रेडियस मान के इस वाली डिस्टेंस को रेडियस मान के इसको इस वाले को सेंटर मान के एक सर्कल बना लो आप ऐसे एक सर्कल इमेजिन कर लो आप इसको सेंटर माना है तो आपने पढ़ा होगा कि अगर इसकी जो रेडियस अगर आर है और एंगुलर स्पीड टू ओमेगा है तो ये जो, जो फॉर्मूला होता है आर ओमेगा होता है आपने देखो एक आर्टिकल पढ़ा होगा कि अगर कोई यहां से अगर हम एक पार्टिकल को ये कितनी एंगुल से घूम रहा है ओमेगा से है ना ये ऐसे ओमेगा स्पीड से घूम रहा है तो वीज उल टू आर ओमेगा होता है आर इसकी रेडियस है ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो इसीलिए ये वाली अगर रेडियस इसकी रेडियस हो गई ये वाली ये निकाल सकते हैं देखो ये थर्टी सेवन है तो ये वाला एंगल कितना होगा सोच के बताओ फिफ्टी थ्री नाइन्टी डिग्री में से घटाओ तो ये इसको मैं ठीठा मान लेता हूँ तो ये आपका ये वाली रेडियस अगर डिस्टेंस निकालनी है मेरे को जिसे हम रेडियस बोलेंगे आर तो इसमें आप कॉस फिफ्टी थ्री लगा लो कॉस फिफ्टी थ्री इज टू बेस बटे आप फिर आर निकालो लगा देता हूँ लो कॉस फिफ्टी थ्री इज टू वैसे तो ये आएगा आर इजकल टू आएगा टेन सेक फिफ्टी थ्री फिर भी निकाल देता हूँ कॉस फिफ्टी थ्री इजुकअल टू इसको मैंने आर माना है रेडियस आर तो बेस बटे आप टेनियस ये तो आर निकालोगे तो टेन बटे कॉस फिफ्टी थ्री तो ये निकल आएगा तो इसकी ये वाली स्पीड निकल के आएगी है ना टेजेंशियली वाली टेंजेंशियल होती है ना परपेंडिकुलर इसके रेडियस वेक्टर के ये वाली स्पीड निकल के आएगी आपकी वी डैश कह देता हूँ इसको आर इन टू तो आर है आपका ये टेन सेक फिफ्टी थ्री और ओमेगा इसका टू ओमेगा इन टू टू that मीन्स वी डैश जो आ गया आपका ये आ गया है टू ओमेगा ट्वेंटी ओमेगा सेक फिफ्टी थ्री ठीक है अब जरा समझो अगर ये थीटा है फिफ्टी थ्री डिग्री है तो ये नाइन्टी है तो ये थर्टी सेवन होगा ये फिफ्टी थ्री ये नाइनटी ये तो थर्टी सेवन और अगर ये थर्टी सेवन तो ये वाला एंगल फिर अगेन 53 तो ये एंगल 53 हो गया अब इसका कंपोनेंट करेंगे इसका इंपॉर्टेंट बात है बच्चे गलती करते हैं जगह पे हमेशा उस वेलोसिटी के कंपोनेंट करनी चाहिए या उस वेक्टर के कंपोनेंट चाहिए जो ना एक्सलरेशन के परपेंडिकुलर हो ना एसलरेशन के अलोंग हो ना एसलरेशन के परपेंडिकुलर ना एसलरेशन के अलोंग तो बेटा देखो अगर इसमें सर्कुलर पाथ घूम रहे हैं तो इधर टेंजेंशियल तोन होगा इधर आपका इस जगह पर Uh, हो सकता है तो इसीलिए इसके कंपोनेंट करना बेटा इसके मत कर देना तो कर लो, देखो एक कंपोनेंट ये होगा तो वो कंपोनेंट इसके बराबर होगा बेटा तो v इंटू टेन की पावर टू का इस दर्शन में कंपोनेंट करें तो कितना आएगा कॉस फिफ्टी थ्री ये कंपोनेंट आ गया इस में और ये इसके बराबर होना चाहिए बराबर टेन सेक फिफ्टी थ्री इंटू टू ओमेगा के सॉल्व कर लो इसको अब तो देखो ये v इंटू टेन की पावर टू दैट मीनस हंड्रेड और ये हो गया ट्वेंटी ओमेगा ट्वेंटी ओमेगा और सेक फिफ्टी थ्री है और नीचे कॉस फिफ्टी थ्री हो जाएगा तो v इज उकल टू ट्वेंटी ओमेगा की वैल्यू एटीन है आपकी और अपॉन हंड्रेड की वैल्यू हंड्रेड है ये और ये हो जाएगा सेक स्क्वेयर फिफ्टी थ्री या ऐसे नीचे लिख लो वन अपॉन कॉस स्क्वेयर फिफ्टी थ्री अब कॉस फिफ्टी थ्री की वैल्यू आपको इस ट्राइंगल से आती होगी इस ट्राइंगल से है ना क्या आती होगी तो ये देखो अगर ये थर्टी सेवन डिग्री मानूँ तो ये फिफ्टी थ्री डिग्री और ये चार और ये तीन और ये पांच मेरे को निकालना है कॉस फिफ्टी थ्री तो बेस बटे आप टन दैट मीन्स तीन बटे पांच तो वैल्यू पुट कर दो बेटा बीस इंटू अट्ठारह बटे सौ इंटू वन अपॉन कॉस्ट फिफ्टी थ्री का स्क्वायर करो थ्री तो नाइन और ट्वेंटी फाइव ऊपर पहुंच जाएगा पच्चीस से ये कट गया चार बार नौ से कट गया ये दो बार और चार से नौ से दो बार कट गया और चार से ये कट गया आपका कितनी बार पांच बार तो ये हो गया दस तो वी बराबर आ गया दस मीटर पर सेकेंड एक सोल्यूशन तो इसका ये है है ना एक सोल्यूशन ये है आपको उम्मीद करता हूँ कि ये जरूर समझ में आया होगा इसका एक और सोल्यूशन बताता हूँ नेक्स्ट सोलूशन सेकेंड मेथड देखते हैं इसी का देखो डायग्राम बना लेता हूँ थोड़ा सा पहले ये प्लेन मिरर है आपका ये आपका ऐसे था और ये यहाँ एक ऐसे था ये डिस्टेंस रखी थी हमें दस इसे एक्स मान लेते हैं और ये एक रे ऐसे आ रही थी और ये रिफ्लेक्टेड रे है ये थर्टी सेवन था ये फिफ्टी थ्री था ठीक है अभी इसको ऐसे ओमेगा से घुमा रहे थे तो हमने ये निकाल लिया था ये टू ओमेगा से घूम रही है रिफ्लेक्टेड रही ठीक है अच्छा अब जरा समझो इस डिस्टेंस इस वेलोसिटी को निकालना है ना हमें v इन टू टेन की पावर टू को ये इतनी वेलोसिटी थी वॉल के स्पॉट की है ना न से v कैलकुलेट करना है हमें तो ये डिस्टेंस अगर मैं y मान लूँ ये डिस्टेंस में अगर मैं y मान लूँ तो इस ट्राइंगल में टेन फिफ्टी थ्री लगाऊँ तो टेन फिफ्टी थ्री की जगह पे काम करता हूँ इसे ठीठा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए तो टेन थीटा लगाऊँ टेन थीटा इजुक्ल टू परपेंडर बटे बेस दैट मीन्स वाई अपॉन एक्स तो यहाँ से वाई इजुक्ल टू एक्स टेन थीठा सोच के बताओ जब ये ऐसे ए, मिरर को घुमा होंगे तो रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टर घूम रही, रही होगी तो स्पॉट भी चल रहा होगा तो इसमें से कौन सा टर्म है तो एक्स कॉन्स्टेंट है बेटा एक्स चेंज नहीं होगा रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी तो एक्स तो चेंज नहीं होगा लेकिन वाई और थीटा ये चेंज हो रहे होंगे बेटा सोच के देखो ठीक है वाई और थीटा चेंज हो रहे होंगे तो इसीलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी विद रेस्पेक्ट टू टी तो इसे लिख सकते हैं हम डी वाई ओवर डी थीटा एक्स तो कॉन्स्टेंट है इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो देखो तुम सब जानते होंगे कि डी ओवर डी टी टेन थीटा का डिफरेंशिएशन करें तो देखो यहां टी ए और यहां थीटा है तो इसका डिफरेंशिएशन पहले तो हो जाएगा सेक्स स्क्र थीटा क्योंकि ये थीटा टी के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है इसीलिए द्वारा से करना पड़ेगा डी थीटा ओवर डी टी अगर ये भी टी होता ये भी टी होता, होता ऐसे होता है डी ओवर डी टी टेन टी तो सेम सेम है तो ये सेक्स स्क् टी खत्म हो जाता आगे नहीं करना पड़ता ये यहां पर थीटा है और यहां टी है इसीलिए द्वारा से करना पड़ा बेटा ठीक है तो एक्स कितना आ गया सेक थीटा डी थीटा ओवर डी टी ये क्या चीज है बताओ मेरे को ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हो गई और इस दर्शन में ये डिस्प्लेसमेंट वाई है तो ये जो वेलोसिटी हुई ये तो वी इंटू टेन की पावर टू हो गया इतनी वेलोसिटी तो है बेटा वाई इत समझ है इतनी स्पीड से ही तो इतनी रक् डी वाई ओवर डी टी क्या हो गया इतनी इतने रेट से डी टी है सॉरी ये कैसे v इंटू टेन पावर टू ठीक है इज उकल टू ये x हो गया ये sec स्क्वेयर थीटा हो गया ये क्या चीज़ है बताओ तो कन्फ्यूज मत तो ना उसे ओमेगा मत समझना अभी सर आपने तो बताया ओमेगा रावर थीटा पॉन्टी बेटा ये कौन घूम रहा है रिफ्लेक्टेड रही तो घूम रही है ये तभी तो स्पॉट घूम रहा है आपका तो रिफ्लेक्टेड रे कितने स्पीड से घूम रही है टू ओमेगा तो डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट घट रहा है कितनी रफ्तार से टू ओमेगा स्पीड से घट रहा है बेटा ओमेगा से नहीं ओमेगा से तो मेडर घूम रहा है रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम रही है टू ओमेगा स्पीड से इसलिए स्पॉट जो ये एंगल घटेगा वो टू ओमेगा स्पीड से घटेगा है ना इसीलिए इसे यहां गलती मत कर देना यहां टू ओमेगा लिखना ठीक है हो गया खेल खत्म वही सेम टू आएगा गया एक्स की वैल्यू देखो इस एक्स वैल्यू टेन है और ये ट्वेंटी ओमेगा हो गया और ये फिफ्टी थ्री हो गया और नीचे आपका हंड्रेड हो गया देखो सेम कैलकुलेशन आ गई अब अगर यहां से देखो तो ये सेम कैलकुलेशन है।, है और नीचे हंड्रेड और इसको नीचे ले आएंगे तो कॉच है ना सेम कैलकुलेशन तो सॉल्व करोगे तो ये दस मीटर पर सेकेंड आ जाएगा उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा पढ़ते रहिए और खुश रहिए